देश में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। सरकारी से लेकर प्राइवेट तक हर काम में आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। आप बिना आधार कार्ड के लगभग किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसे में सरकार अब आधार 2.0 के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रही है। आधार 2.0 मौजूदा आधार कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसमें आधार कार्ड की सेवा के विस्तार की तैयारी की जा रही है। इससे आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में आधार के इस्तेमाल में सुधार और विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और देश दुनिया के एक्सपर्ट्स 3 दिनों तक इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह डिजिटल इकोनॉमी के लिए आधार कार्ड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट गवर्नेंस नाम से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर, UIDAI के पूर्व प्रमुख नंदन निलेकड़ी, RS शर्मा, अजय भूषण पांडे, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन विवेक देवराय, वित्त सचिव TV सोमनाथन, IT सेक्रेटरी अजय प्रकाश और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत होंगे। साथ ही इस बैठक में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स और IIT IASC के प्रोफेसर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आधार कार्ड को सरकार एक ट्रस्ट ID के तौर पर देखती है। इसमें यूजर्स की बायोमेट्रिक पहचान होती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि इसे इंटरनेशनल डिजिटल आई कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फिलहाल पासपोर्ट को किया जाता है। इस वर्कशॉप में आधार के तहत डिजिटल समाधान देने के लिए एक मंच और साधन कैसे दिया जाए और डिजिटल ID की समझ को डेवलप करने, साथ ही सोशल इंक्लूजन पर विशेष ध्यान देने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आधार एनरोलमेंट और अपडेशन इकोसिस्टम को और ज्यादा स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बनाने पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि इन बातों पर चर्चा के दौरान डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।